नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सुविचार कोश में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो है कंप्यूटर पर निबंध। हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल सुविचार कोश को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से कर लीजिए। आधुनिक युग में विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने कई आविष्कार किए हैं, कंप्यूटर भी उन्हीं में से एक है। कंप्यूटर एक यांत्रिक मशीन है जो कि सभी प्रकार की गणना पलक झपकते ही कर लेता है। कंप्यूटर मानव द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण और बेहतरीन आविष्कार है। कंप्यूटर की सहायता से किसी भी प्रकार की जानकारी ली जा सकती है। इसकी गणना करने की तेजी ने मानव को भी तेज रफ्तार बना दिया है। कंप्यूटर का आविष्कार सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने किया था। इसके बाद इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहे और आज यह दुनिया में परिवर्तन ला रहा है। वर्तमान में कंप्यूटर पर देश दुनिया की सभी जानकारियां उपलब्ध है। इसका सभी कार्यालयों, बैंकों, अस्पतालों, स्कूलों और शोध के लिए वैज्ञानिकों द्वारा भी उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग के कारण आज हमें मौसम की सही जानकारी मिल जाती है। साथ ही कंप्यूटर ने शिक्षा और व्यापार को भी आसान बना दिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में तो क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। चिकित्सकों द्वारा बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयां बनाना आसान हो गया है। कंप्यूटर का उपयोग ऑनलाइन जानकारी का आदान प्रदान करने और अन्य स्थान पर व्यक्ति से घर बैठे बात करने में भी कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने उसकी सहायता से कई उपलब्धियां प्राप्त की है। उन्होंने अंतरिक्ष की जानकारी कंप्यूटर के माध्यम से ही प्राप्त की है। कंप्यूटर एक बहुत उपयोगी वस्तु है। इंसानों के लिए कंप्यूटर के सैकड़ों फायदे हैं, तो साइबर अपराध, अश्लील वेबसाइट जैसे नुकसान भी शामिल है, जिसकी पहुंच हमारे बच्चों और विद्यार्थियों तक आसानी से हो जाती है। हालांकि कुछ उपायों को अपनाकर हम इसके कई नकारात्मक प्रभावों से बच भी सकते हैं। कंप्यूटर मानव जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इसके बहुत अधिक फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कंप्यूटर अगर मानव जीवन को सुलभ बना सकता है तो यह उसे दुर्लभ भी बना सकता है। धन्यवाद।